हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसको पहले हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने की बात करना है। तो वन अपॉन में है, अपॉन में सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको पहले रिड्यूस करते हैं। वन बाई एक्स वन बाई वाई अपॉन में है, जब भी अपॉन में है तो उसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। लेट 1/x इसको हम कर लेते हैं a, और 1/y इसको लेट कर लेते हैं b। तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी। कैसे होगी? 1/2x है, 1/x की जगह हमने a ले लिया, तो 1/2 है इंटू 1/x की जगह हमने a ले लिया, तो क्या हो जाएगा? a/2। सेम ऐसे ही हो जाएगा b/2। इसको रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा? a अपॉन 2 प्लस b अपॉन 3 इक्वल टू 2। ये भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, a अपॉन 3 प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू 13/6। अब नीचे एलसीएम लेंगे और उसको सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों का एलसीएम 6 आएगा। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? इंटू सिक्स 2 3 6 3 2 6, ये हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। सेम यहाँ 3 2 6 एलसीएम आएगा, सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू सिक्स 3 2 6 2 3 6 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। अब इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से करते हैं। उसके लिए किसी एक को सेम करना होता है, तो यहाँ 3 है या 2 है, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इसको कर देंगे 3 से, ताकि सेम हो जाए 3 2 6 मल्टीप्लाई सबसे करना होता है ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। 3 2 6 6a प्लस 2 2 4b इक्वल टू 12 2 24। सेम ये ऐसे ही होगा, ये हो जाएगा 6a प्लस 3 3 9b इक्वल टू 3 3 13 39। अब सेम है, साइन भी सेम है, तो सबट्रैक्ट करेंगे। 6a प्लस 9b इक्वल टू 39, इसको करेंगे से सबट्रैक्ट। 6a प्लस 4b 24, साइन चेंज, प्लस का माइनस कैंसिल। 9 में से 4 गए 5b, 9 में 4 गए 5, 3 2 गए 1, ये हो गया 15। तो b कितना आ जाएगा? b आ गया हमारा 15/5, 5 3 15, b3 आ गया। अब b3 को b इक्वल टू 3 इसको पुट कर देंगे इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट करते हैं 2a प्लस 3, बी की जगह 3 इक्वल टू 13, 2a प्लस 3 9 इक्वल टू 13, 2a इक्वल टू 13 माइनस 9, तो 2a इक्वल टू 4, तो ये कितना आ जाएगा? 4/2, 2 2 4, a आ गया 2, a आ गया, b आ गया, लेकिन हमें क्या करना है? x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो 1/x हमने लिया है, 1/x हमने क्या पुट किया था? a पुट किया था, और एक वैल्यू क्या आई है? 2, तो 1/x इक्वल टू 2 हो जाएगा। सेम 1/y, 1/y इक्वल टू हमने लिया था b वैल्यू कितनी आई? 3। अब कितना हो जाएगा? दोनों तरफ क्या करेंगे? रेसिप्रोकल अप्लाई कर देंगे, तो 1/x का x हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। सेम यहाँ y इक्वल टू 1/3, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 1 इक्वल टू 3 इंटू y, वाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो मल्टीप्लाई में इधर जाता तो डिवाइड हो जाता, तो 1/3 इक्वल टू y, तो x आ गया y आ गया।